माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर व्यूअर्स, यू ऑल आर वेलकम टू मिश्रा सर क्लासेज। एंड हेयर टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ICSE ज्योग्राफी फॉर क्लास 10। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एग्रीकल्चर। पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चर चैप्टर वी हैव मेड ए लॉट ऑफ वीडियोज एंड टुडेज वीडियो इज रिगार्डिंग द शुगर केन। Students are requested to go through the previous videos to have a clear cut concept of this chapter. Sugar cane के बारे में जहाँ तक सवाल है कि sugar cane एक बहुत ही अच्छा cash crop है। आमतौर पर ये bamboo family of plants से belong करता है और इससे जो main चीज़ बनता है वो है गुड़, खांडसारी और चीनी। यानी गुड़, खांडसारी और शुगर से बनता है। इसके अलावा ये एज ए फॉडर भी यूज़ किया जाता है जानवरों को के रूप चारा के रूप में। और आमतौर पर ये खरीफ सीजन में होने वाला क्रॉप है। तो ये तो हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने देखा, बट एग्जाम से रिलेटेड जो पार्ट है उसमें पढ़ना पड़ेगा कि आखिर शुगर केन के लिए जो सूटेबल सॉइल्स है वो क्या है। शुगर केन आमतौर पर कई तरह के सॉइल पर कल्टीवेट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो सबसे बेस्ट सॉइल है वो है एलुवियल सॉइल। एलुवियल क्लेई लोम्स ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन्स आर वेरी मच आइडियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। इसके अलावा ये ब्लैक सॉइल में भी होता है, ब्राउन सॉइल में भी होता है, रेडिश लोम में भी होता है। लेकिन अगर हम देखें, अगर एक सॉइल का नाम कोई पूछे तो हमें लिखना होगा एलुवियल सॉइल, अगर दो पूछता है तो एलुवियल और ब्लैक सॉइल का नाम लिखेंगे। देयरफॉर शुगर केन कैन ग्रो ऑन द टाइप ऑफ सॉइल एज लॉन्ग एज द सॉइल कैन रिटेन मॉइस्चर। खासतौर पर ऐसे सॉइल में ये ज़्यादा होता है जिसमें मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। एंड सो द सॉइल शुड बी रिच इन नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस सॉइल में अगर है तो ज़्यादा अच्छा होता है। इस सॉइल में यदि कोई सॉइल एसिडिक है या अल्कलाइन सॉइल्स है तो इस प्लांट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। शुगर केन एक लॉन्ग पीरियड में होने वाला क्रॉप है, इसीलिए ये सॉइल के फर्टिलिटी को बहुत ही पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर देता है। देयरफॉर इट्स कल्टीवेशन रिक्वायर्स ए हैवी डोज ऑफ मैन्योर। इसीलिए जिस खेत में हम शुगर केन की खेती करते हैं उसमें मैन्योर के अमाउंट ज़्यादा डालना पड़ता है, फर्टिलाइजर ज़्यादा डालना पड़ता है जिससे कि उसका एल्ड पर हेक्टेयर इंक्रीज हो। फ्लैट लेवल प्लेन्स ऑफ प्लेटू रीजन्स भी शुगर केन के लिए ज़्यादा आइडियल होता है। तो ये था सॉइल के लिए, मोटा मोटी हमने देखा और किस तरह का कंडीशन है। क्लाइमेटिक कंडीशंस पर आते हैं। शुगर केन के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस का दरकार है उसमें जो एवरेज टेम्परेचर चाहिए शुगर केन के लिए वो है 20 डिग्री सी से लेकर 30 डिग्री सी। 20-30 डिग्री सी शुगर केन के लिए आइडियल टेम्परेचर है। ज़्यादा टेम्परेचर या लो टेम्परेचर दोनों ही इस सॉइल के लिए हार्मफुल होता है। जो अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया तो सुक्रोज का कंटेंट सूख जाता है, और अगर कम हो गया टेम्परेचर तो फ्रॉस्ट वगैरह हो जाने से प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है। शॉर्ट कूल ड्राई विंटर सीजन ड्यूरिंग राइपनिंग एंड हार्वेस्टिंग इज आइडियल। खासतौर पर राइपनिंग के टाइम में यानी पकने के टाइम में और जब इसको हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस समय में यहाँ पर यानी विंटर सीजन होना ज़रूरी है। फ्रॉस्ट इसके लिए सबसे इंजूरियस होता है, इसलिए हार्वेस्टिंग शुड बी डन बिफोर द विंटर सीजन। हार्वेस्टिंग विंटर सीजन से पहले कर लेना चाहिए एंड स्पेशली इन द नॉर्थ जो है विंटर सीजन के पहले इसका हार्वेस्टिंग कर दिया जाता है। तो हमने देखा यहाँ पर टेम्परेचर के लिए आइडियल कंडीशन 20-30 डिग्री सी इसके लिए आइडियल है। ज़्यादा टेम्परेचर कम टेम्परेचर दोनों इसके लिए हार्मफुल होता है। जहाँ तक रेनफॉल का सवाल है, शुगर के नीड से रेनफॉल ऑफ अबाउट 75 cm से लेकर 120 cm तक जो रेनफॉल है उसके लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर किसी खेत में वाटर लॉगिंग होता है यानी पानी जमता है तो इस प्लांट के लिए बहुत ही डेंजरस हो जाता है। सो इट्स ए लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप और आमतौर पर ये लगभग 15 से 18 महीना लेता है इसको मैच्योर होने में। काफ़ी बड़ा समय है, यानी
लगभग 1.5 साल का वक्त लग जाता है। अगर किसी खेत में हम लोग शुगर केन का कल्टिवेशन करते हैं तो इसके लिए ऑलमोस्ट 1.5 साल यानी 15 से 18 महीने का वक्त लग जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन। वैसे तो इसके लिए जो मेथड्स है वो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है शेट मेथड को। शेट मेथड, शेट का मतलब क्या होता है? सेट मेथड, सेट मतलब जस्ट ए पीस ऑफ शुगर केन। तो एट प्रेजेंट ए न्यू सेट मेथड इज यूज। शुगर केन एक बैम्बू फैमिली का ये प्लांट है, जैसे हम लोग पहले ही कहा है। एंड फॉर प्रिपेयरिंग द सेट्स द शुगर केन इज कट इनटू सेवरल पीसेज एट द जॉइंट। यानी शुगर केन को कई पार्ट्स में काट देते हैं लेकिन ज्वाइंट उसमें होना चाहिए, एक ज्वाइंट को लेकर काटते हैं। ऐसा कटिंग होना चाहिए, सपोज हमने 1.5 फीट का एक पीस काटा तो उसमें ज्वाइंट होना चाहिए तो वो एक सेट कहलाएगा। ऐसे कई सेट्स वहाँ पर बनाए जाते हैं। सेट्स मतलब पीस, कई टुकड़े बनाए जाते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, सेट्स को प्रिपेयर होने के बाद यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, खेतों में डालते हैं। दे आर प्लांटेड इन वेल प्रिपेयर्ड मैन्योर मैच्योर्ड फ्यूरोज एट रेगुलर इंटरवल। फिर खेत में यानी हल से या कुदाल से गड्ढा जैसा किया जाता है और उस गड्ढे में एक एक पीस जो शुगर केन का है, जो सेट है, उसको हम लोग उसमें डालते चले जाते हैं एक सर्टेन इंटरवल पर। समय समय पर इसमें जो घास वगैरह उगता है उसको भी हम लोग हटा देते हैं। आमतौर पर इसमें मॉइस्चर का दरकार पड़ता है, सॉइल में मॉइस्चर होना ज़रूरी होता है, इसलिए रेनफॉल अगर हल्का हल्का रेनफॉल अगर होता है तो इसके लिए ज़्यादा बेटर होता है, और नहीं तो फिर कभी कभी इसमें इरिगेशन भी देना पड़ सकता है। तो यह है इसका मेथड ऑफ कल्टीवेशन। तो दूसरा है यहाँ पर राटूनिंग सिस्टम। हम लोग देखें राटूनिंग क्या चीज़ है। शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है, इसने एक नया मेथड राटूनिंग नया मेथड निकाला जिस मेथड का नाम है राटूनिंग। इस मेथड में आफ्टर द फर्स्ट क्रॉप द शुगर केन इज कट लीविंग द रूट इंटैक्ट इन द सॉइल। यानी शुगर केन जब मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, तो शुगर केन को हम लोग जड़ से नहीं उखाड़ते, क्या करते हैं उसको मिट्टी के थोड़ा सा ऊपर 2-3 इंच 4 इंच या हाफ से ऊपर से ही काट लेते हैं, जिससे उसका जो रूट है वो उसी अंदर में ही यानी मिट्टी के अंदर ही रह जाता है। उससे नए क्रॉप का फिर से नया क्रॉप उसमें से निकलता है, वो मैच्योर हो जाता है। तो ये जो सिस्टम है कि बिना बीज बोए हुए, बिना सेट मेथड का यूज़ किए हुए एक ही क्रॉप से 2-3 बार अगर हम क्रॉप निकाल लेते हैं तो ये मेथड कहलाता है राटूनिंग। राटूनिंग क्रॉप इज द सेकेंड और एनी अदर सक्सेशन क्रॉप ऑब्टेंड फ्रॉम द रूट एंड लेफ्ट ओवर इन द फील्ड आफ्टर द फर्स्ट क्रॉप। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ राटूनिंग। ये फर्स्ट क्रॉप का जो लेफ्ट ओवर रहता है, उसका जो जड़ रहता है, वो तो मिट्टी के अंदर रहता है, तो उसमें से नया क्रॉप निकल जाता है। इस सिस्टम को हम कहते हैं राटूनिंग। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि राटूनिंग का एडवांटेज क्या है। क्रॉप नीड्स नॉट बी प्लांटेड अगेन। पहला एडवांटेज तो ये है कि इसमें दोबारा से क्रॉप यानी प्लांट करने का ज़रूरत नहीं होता। दूसरा है कि ये जो राटूनिंग वाला क्रॉप होता है, इन कंपेरिजन टू द मेन क्रॉप, ये कम समय में मैच्योर हो जाता है ओरिजिनल क्रॉप से। तीसरा मेथड है इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता, इसीलिए ये सस्ता होता है। तो तीन एडवांटेज हमने देखा राटूनिंग का। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम कि राटूनिंग के लिए क्या एडवांटेज है। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर कि यानी दोबारा क्रॉप प्लांट नहीं करना पड़ता, मैच्योरेशन पीरियड इसका कम होता है और एक्सपेंस बहुत कम होता है। डिसएडवांटेज, प्रोडक्टिविटी घटती चली जाती है। एक बार हमने राटूनिंग किया, 2 बार किया, तो जैसे जैसे मेन क्रॉप में जो एल्ड पर हेक्टेयर था उससे कम होगा फर्स्ट वाले राटूनिंग में, उससे भी कम हो जाएगा सेकेंड राटूनिंग में। जैसे जैसे राटूनिंग करते जाएंगे क्या होगा, तो यानी एल्ड पर हेक्टेयर उसका घटता हुआ चला जाएगा। हैंस ओनली 1 or 2 राटून क्रॉप्स आर नॉर्मली हार्वेस्टेड। इसीलिए इस सिस्टम में 1 से 2 बार हम कर सकते हैं। क्रॉप में भी अफेक्टेड बाई द वेरियस पेस्ट एंड डिजीज, बहुत सारी बीमारियाँ भी लग जाती है यहाँ पर इस क्रॉप में। ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि राटूनिंग वाला जो क्रॉप होता है उसमें कीड़ा लगने का चांस ज़्यादा होता है। आमतौर पर जो कीड़ा इसमें लगता है जैसे मोथ, टर्माइट्स, वाइट फ्लाइज, ब्लैक बग्स, ये सब यहाँ पर लगता है, इसलिए इसको बचाने की ज़रूरत होती है।
जहाँ तक इसके यानी यूजेज का सवाल है, 50% जो केन होता है यानी 50% जो शुगर केन होता है उससे गुड़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसको जैगरी भी कहते हैं बाय बॉइलिंग, एंड 30% ऑफ प्रोड्यूस इज यूज फॉर मेकिंग वाइट शुगर, और 30% का यूज आमतौर पर वाइट शुगर के लिए किया जाता है। तो 50% से गुड़ बन गया और 30% से शुगर, सो पार्ट ऑफ इट इज़ यूज टू मेड खांड साड़ी विच इज़ नॉर्मली यूज इन द नॉर्थ, और इसका खांड साड़ी भी बनाया जाता है। शुगर केन जूस आमतौर पर ड्रिंक्स के लिए भी काफ़ी पॉपुलर होता है, लोग शुगर केन का जूस पीते हैं, खासतौर पर समर सीजन में। यह बहुत ही न्यूट्रिशस होता है, हेल्दी होता है इन कंपेरिजन टू अदर सिंथेटिक ड्रिंक्स। तो ये इसका यूज है यानी गुड़ के रूप में, चीनी के रूप में, और इसके अलावा खांड साड़ी के रूप में, इसके अलावा इसका ड्रिंक्स बनाकर भी हम लोग पीते हैं, तो ये सब इसका यूजेज होता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि शुगर केन कल्टिवेशन इंडिया के किस पार्ट में ज़्यादा होता है। इंडिया आमतौर पर लार्जेस्ट अंडर एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इंडिया का पोजिशन नंबर वन है शुगर केन के मामले में, खास तौर पर एरिया के हिसाब से। यानी जितने एरिया में शुगर केन का कल्टिवेशन इंडिया में होता है, दुनिया के किसी भी देश में इतने एरिया में शुगर केन का कल्टिवेशन नहीं होता है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंडीशंस ऑफ ग्रोथ है वो हर बेल्ट में अलग अलग होता है। अगर नॉर्थ में हम जाएँ तो नॉर्थ में सतलुज गंगा प्लेन पंजाब से लेकर बिहार तक जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, 50% ऑफ द प्रोडक्शन इसी स्टेट से में हो जाता है। यानी देखें तो पंजाब, यूपी, बिहार, 50% जो प्रोडक्शन है इसी एरिया में हो गया। अगर हम साउथ में जाएं तो ब्लैक सॉइल बेल्ट में अगर जाते हैं तो महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक ज़्यादा है इसमें, और अगर कोस्टल एरिया में जाएं तो आंध्र प्रदेश और कृष्णा वैली में भी इसका कल्टिवेशन होता है। लेकिन अगर स्टेट के हिसाब से हम शुगर केन के कल्टिवेशन को डिस्क्राइब करें तो शुगर केन का जो लार्जेस्ट ये है प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश में। कल्टिवेशन इज कैरीड ऑन सिमिलर यूनिट्स एंड इरीगेशन फ्रॉम कैनाल एंड ट्यूबवेल्स यहाँ पर ज़्यादा प्रिवेलेंट है। इसके अलावा बिहार, पंजाब और हरियाणा भी इसके लिए बेटर है। पेनिनसुलर इंडिया में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कह सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं नॉर्थ इंडिया में जो शुगर केन का कल्टिवेशन होता है वो आमतौर पर साउथ इंडिया के मुकाबले कम होता है। नॉर्थ इंडिया में शुगर केन का कल्टिवेशन आमतौर पर 20 से 30 डिग्री आइडियल टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया में बहुत कम पीरियड के लिए रहता है। हाई रेनफॉल यहाँ पर जो होता है 120 से 150 सेंटीमीटर, सो ये आइडियल कंडीशन तो बनता है अगर 20 से 30 डिग्री रहता है तब। लेकिन जब ड्राई एरियाज होता है जिसमें इरीगेशन का काम पड़ता है, उत्तर प्रदेश जहाँ पर कैनाल काफ़ी ज़्यादा है, ट्यूबवेल ज़्यादा है, तो वहाँ पर, लेकिन समर सीजन में यूपी और बिहार में लू चलती है। लू चलने की वजह से खासतौर पर मई और जून में जो शुगर केन का नॉर्मल ग्रोथ है वो रुक जाता है शुगर केन, क्योंकि इतना हीट शुगर केन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि 20 से 30 के बीच में ही टेम्परेचर होना चाहिए, कम या ज़्यादा दोनों ही इसको अफेक्ट करता है। लेकिन शुगर केन कल्टिवेशन आमतौर पर पेनिनसुलर इंडिया में ज़्यादा होता है। पेनिनसुलर इंडिया मतलब कह रहे हैं कि साउथ इंडिया। एवरेज एल्ड इन नॉर्थ इज़ 40 टन्स पर हेक्टेयर, जबकि साउथ में ये 80 टन्स पर हेक्टेयर है। यानी डबल का डिफरेंस है नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में। इसके बहुत सारे कारण हैं। साउथ इंडिया में शुगर केन का प्रोडक्शन नॉर्थ इंडिया के मुकाबले यानी एल्ड पर हेक्टेयर डबल होता है। इसका कारण ये है कि साउथ इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बहुत ही आइडियल है। न वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और न बहुत ठंडा पड़ता है। लू वहाँ पर समर सीजन में नहीं होता, हाई टेम्परेचर वहाँ पर होता नहीं है, फ्रॉस्ट फ्री विंटर्स, विंटर में वहाँ पर फ्रॉस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ का जो प्लांट है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है। ब्लैक लावा सॉइल जो साउथ इंडिया में है वो भी काफ़ी इसके लिए अच्छा होता है क्योंकि ये फर्टाइल सॉइल होता है। इसके अलावा बेटर मेथड्स वहाँ के फार्मर यूज़ करते हैं, साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं, मैन्यूर्स इसमें ज़्यादा डालते हैं, फर्टिलाइजर ज़्यादा डालते हैं। ये सब कारण है कि साउथ इंडिया में इसका जो कल्टिवेशन है वो नॉर्थ इंडिया के मुकाबले ज़्यादा पॉपुलर है और आमतौर पर ये एल्ड पर हेक्टेयर को बढ़ा देता है। जहाँ तक इसके प्रॉब्लम का सवाल है, शुगर केन एक सॉइल एग्जॉस्टिंग क्रॉप है।
इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर और वाटर चाहिए। मिल्स जो होता है वो शुगर केन का जो शुगर मिल वगैरह होता है वो काफ़ी दूर में होता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, और प्राइसेज आर फिक्स्ड ऑन क्वांटिटी एंड नॉट इन क्वालिटी। क्वांटिटी के आधार पर प्राइस फिक्स होता है, क्वालिटी के हिसाब से नहीं। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स। सो हमने यहाँ पर शुगर केन कल्टिवेशन के बारे में सारे पॉइंट्स को क्लियर किया है, इसमें जितने भी तरह की चीज़ें हैं उसको हमने क्लियर कर लिया है। सो इसको हम लोग यहीं पर बंद करेंगे। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।